औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेट पे बैठे वाले हमारे आमदार साहब वजाद, डॉक्टर वजाद मिर्जा साहब और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अहमद खान साहब, मेरे साथी अभी दत्ता कोकाडे जी, मसूद खान, शमीम अब्दुल्ला और सभी मेरे कारपोर्टर, सभी मेरे साथी बुजुर्गों और दोस्तों, आने वाली 26 अप्रैल को जो नांदेड़ लोकसभा के इलेक्शन है, हमारे उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान जी है। आज मैं तहे दिल से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जलसे में कामयाब करें, जलसे में आए। आज इस तरह से हमारे सभी साथी वजाद साहब जिस दिन जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उसके साथ हमारे सभी कारपोरेटों ने मिलकर ये तय किए थे कि हम कांग्रेस के साथ हैं और इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को कामयाब करेंगे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाई पटोदे का शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि हमने जो कहा था कि जो कैंडिडेट हमको दिए, हमने वसंत चौहान साहब का प्रस्ताव रखा था प्रदेश में और वसंत चौहान साहब को हमारी उम्मीदवारी दी। आज जिस तरह से भाजपा सरकार, देखे हैं आप 10 साल और 70 साल कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस 70 साल सत्ता में रहकर हर समाज को लेकर चलने का काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को लेकर चलने का काम करती है और हर व्यक्ति को अपने जीने का हक देती है। यही देखिए 10 साल इन्होंने, इनके 10 साल देखिए आप। मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से जो एक पार्ट एक समाज को जो टारगेट किया, आप देख रहे हैं किस तरह से अन्याय किया ये लोगों ने। हम पे ही नहीं, जो फिरका परस्त इनके जहन में बनी है, जो इनकी पार्टी जो इनको उरूज में लाई, बाबा साहब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इनको जो इनके इनके जितने हैं, देखे आप महाराष्ट्र में इनके कितने एमएलए रहते थे भाजपा के, यही उद्धव ठाकरे साहब के एमएलए रहते थे, आज उनके साथ में रहकर उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम ये भाजपा ने की। देखे आप उनके 40 एमएलए फोड़ कर सत्ता काबिज की है, पर आज उद्धव ठाकरे का हम अभिनंदन करते हैं। इसलिए अभिनंदन करना जरूरी है, एक वाक्य में शेर है, वो भाजपा से लड़ रहा है वो और झुकने का काम नहीं किया है। मैं राउत साहब को भी सलाम करता हूं, 3 महीने जेल में जाके बैठे पर झुकने का काम नहीं किए। और ये ही देखिए हमारे 70 साल कांग्रेस ने 65 साल जो घराने को सर आंखों पर बिठाया था और वो जाके भाजपा में बैठे हैं। देखिए आप इनका जहलियत, इनकी जहलियत देखिए आप, यहाँ के नेता की जो 65 साल सत्ता भोग कर जो डर के भाजपा के गोद में जाके बैठा है। क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जो तरह से उन्होंने जो सुन देखे हैं कि भाई मैं ईद में लेके आ रहा हूं, सुर्खियां पीने को आ रहा हूं, मैंने एक बात कही, अगर तुमको हमारे कौम से हमदर्दी थी तो आप 30 साल ईदगाह पे आते थे, आप ईदगाह पे क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको भाजपा वाले हकाल देते थे, क्योंकि भाजपा का मैनिफेस्टो है कि मुसलमानों को जो हर जगह तकलीफ देने का, इसलिए आपकी जहनियत है आप नहीं आए। और कुछ मुनाफिक हमारे पास भी है,
मैं हमारी अवाम से अपील करता हूं कि आप 100% वोट हमारे उम्मीदवार के हक में करिए, ऐसी उम्मीद रखता हूं मैं आपसे। आप जज्बात में नहीं, होश से काम करके जीतना है अपने को। आज हमारे नाना बहू आज भोकर में थे, देगलूर में थे प्रदेश अध्यक्ष, आज इतनी मेहनत करे, वाकई में वो शेर है जो 2.5 साल उसको खासदार जीती, उन्हें खासदार को लात मारकर भाजपा छोड़ के बाद में कांग्रेस में प्रवेश हुए, वैसे व्यक्ति कांग्रेस के साथ है। आप, आपको डरना नहीं है, इंशाल्लाह दिल्ली की सरकार जो हमारे नेता ने जो अलायंस बनाए, जो इंडिया अलायंस, इंशाल्लाह 300 सीट आने के आसार दिख रहे हैं। आज महाराष्ट्र में जो 48 खासदार है, 48 में से आप देखना कम से कम 35 खासदार हमारे अलायंस के चुन के आने वाले हैं। आज जनता की जीत है। आज हमारे पास जिस तरह से जो उम्मीदवार वसंत चौहान हमारे साथीदार है, वो आप देख रहे हैं, जो आज बुरा वक्त में हमारे डट के खड़ा रहा हमारे साथ, हमारा साथी। आप लोगों को 26 तारीख को उनके हाथ मजबूत करना है। और हमारे जितने हमारे वजात मिर्जा साहब आए हैं, हमारे अहमद भाई और हमारे राष्ट्रीय नेता इमरान प्रताप जी जी आ रहे हैं आपके सामने अपने विचार रखने के लिए। भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे को जो 70 साल में मुस्लिम और दलित को यही नेता ने ऊपर नहीं लाया। आप देखे हमको खाली महापालिका के अत्यंत रखा था, किसी को आमदार नहीं ना किसी को कुछ नहीं दिए, वो दोनों समाज को लीडर मानने का काम नहीं करते थे। पर यही नाना बहू ने आज चंद्रकांत हंडोले को राज्यसभा का मेंबर बनाया, और यही कांग्रेस ने इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा का मेंबर बनाया। इंशाल्लाह आने वाला वाले वक्त में अच्छे दिन आने वाले हैं नांदेड़ के। जो कचरा था जो साफ हो गया है कांग्रेस का कचरा। कांग्रेस में वजात भाई हमको अगर तुमसे मिलना था तो इतनी पाबंदी थी हमारे को, हमको प्रदेश में भी जाने का नहीं मिलता था। आज हमारी खुशी की बात है तुम्हारे भाई को, तुम्हारे दोस्त को आज हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिला। आज यही मेरे नाना भाई पटोले मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे को बोले, सत्तार भाई तुम भोकर से चलो इसको देगलूर को हेलीकॉप्टर में बैठो बोल के आपके भाई को एक प्रदेश अध्यक्ष हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गया। इन्हें तो हमारे कहा भी रखे नहीं, और बोलते हैं कि भाई सत्तार को सब कुछ दिया, ऐसा कैसे बोले है। अरे हमको दिए, हम भी 30-35 साल से आपकी सेवा करें, आपने कुछ फुकट ले दिया, हमारी जनता ने मेरे को चुन के दिया और उसके बलबूतों पे हम चुन के आते हैं। हमारा समाज हमारे साथ है इसलिए हम चुन के आते हैं। आज हमारे 25 कॉर्पोरेटर ईमानदारी से कांग्रेस के साथ है। आज देखिए हमारे ये लगान की टीम है, इंशाल्लाह लगान की टीम ही महाराष्ट्र में कामयाब करिए। देखना बड़े बड़े नेता की हवा निकल गई, जो महाराष्ट्र में जो स्टार प्रचार बोलते, स्टार प्रचार बोले तो पूरे महाराष्ट्र में घूमता पड़ता, पर एक स्टार प्रचार नांदेड़ में ही घूम रहा, परेशान है। हाँ हवा निकल गई। मैं हमारे जरांगे पाटिल का भी अभिनंदन करता हूँ और मराठा समाज का भी अभिनंदन करता हूँ। मैं देखना मराठा समाज का वोट 70% वोट हमारे वसंत चौहान को मिली है, और हमारे दलित समाज का भी वोट देखिए, दलित समाज भी जागृत हो गया है। आज देख रहे हैं वंचित का उम्मीदवार डम्मी उम्मीदवार है, ये डम्मी उम्मीदवार जो वंचित ने दिए है। कहीं क्या भाई आपका जो क्या बताते, संविधान बचाना है, संविधान बचाने का था तो आप कांग्रेस के साथ युति करना था प्रकाश अंबेडकर साहब ने। हम प्रकाश अंबेडकर साहब को भी नेता मानते हैं, पर ऐसे नेता देखिए आज अवाम गोल है, उनकी अवाम ने कहा कि भाई प्रकाश अंबेडकर साहब को युति करो, तो आपने बी टीम है भाजपा की, ये वंचित अगाड़ी बी टीम बोला, बिल्कुल बी टीम बोलता हूँ। गए बारी में आपको 1 पैसा वोट इसलिए भी लेते क्योंकि असद अवैसी आपके साथ थे, आपके कुछ भी नहीं मिलने वाला है वंचित को, एक वोट भी नहीं मिलने वाला है।
ठेंगा देने वाले हमारी कौम तय करके रखी 100% वोट हमारे आगाड़ी के उम्मीदवार के हक में करिए। एक एक वोट आपकी वोट की अमानत है, अमानत को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो भी है हमारे नेता लोग आपके साथ है। नाना भवर हो या हमारे नेता राष्ट्रीय नेता देखे, आज हमारे राहुल गांधी एक बात देख सकते हैं, अच्छे दिन के देखे हैं आप, उनके ऊपर भी अन्याय किया जा रहा, उनको उनकी सदस्यता रद्द की गई। ऐसे ये गुंडे लोग हमारे कांग्रेस के खाते तक सील कर दिए, ये भाजपा सरकार बौखलाई गई, आप देख रहे हैं इनकी जमीन सड़क गई। और जो बोलता था कि भाई हमारा क्या है, हम तो झोला लेकर निकल जाइए, और वो झोला निकलने का वक्त आया, और इंशाल्लाह झोला नहीं उसको उसको जेल में डालने का काम हमारी अलग सरकार करी, जितने को जेल में डाले ये जो है मोदी सरकार, इनको जेल लेके डालने जेल में डालने का वक्त आ गया है। आने वाली 26 तारीख को भारी अक्षरत से हमारे वसंत चौहान को वोट भी दिए और दुआ भी करिए कि इंडिया मजबूत से ये हिंदुस्तान में सत्ता है, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार आपका कीमती वक्त दिए, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।